हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे चल रही है तैयारी नीट की? वो भी एकदम झक्कास। तो फिर उसमें मैं क्या आपकी हेल्प कर सकती हूँ? मैं आपको बायो पढ़ा सकती हूँ बेटा, आई एम डॉक्टर। सो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि एडल्ट फीमेल्स में होने वाले हर महीने जो साइकिल्स आती हैं, महीना आता है ना हर महीने फीमेल्स को, तो वो पूरा साइकिल कि एक महीने से पीरियड्स जो हुए इस महीने, उससे अगले महीने जो पीरियड्स होंगे, उस बीच में क्या क्या हुआ यूट्रस में, ओवरी में, ब्लड में, हॉर्मोन्स में, ठीक है, वो पूरा जो साइकिल है इवेंट्स का वो पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्या दिख रहा है? छोटी सी बच्ची, प्यारी सी। ये क्या है? एडल्ट फीमेल। ये एजेड फीमेल, ठीक है। ये जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, इसको अभी अभी पीरियड शुरू है, ठीक है। और उसके बाद ये 50 साल तक, लगभग 45 से 50 साल तक पीरियड्स होते रहे, ठीक है। और उसके बाद ये बूढ़ी हो गई, है ना। लेकिन पीरियड्स कब शुरू हुए थे? 12 से 15 साल की उम्र में। और ख़त्म कब हुए? 45 से 50 साल की उम्र में, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर बूढ़े हो गए, है ना। फिर उनके बच्चों के पीरियड चालू होंगे, हाँ, उनके बच्चों के बच्चों के। देखो यही लाइफ का प्रोसेस है ना बेटा। बच्चा पैदा होता है, थोड़ी सी बड़ी होगी बच्ची, टीनेजर होगी, ठीक है। फिर पीरियड स्टार्ट होंगे, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा लाइफ का। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज खत्म, उसके बाद वो बोलेगी घर में नाती पोते लाओ, हैं, क्योंकि क्योंकि यही आपको लाइफ का उद्देश्य है, ऐसा बोलेगी मम्मी लोग, ठीक है। अभी देखो ये क्या है बेटा, ये मैं देखो मैंने क्या बोला, पहले दिन पीरियड आया, लगभग 3 से 5 दिन आता है, आया। अब उसके बाद ये पूरा मंथ अगले पीरियड आने तक, ठीक है। यानी पहला पीरियड इस महीने आया, पहला दिन, वहां से लेकर के अगले पीरियड्स के पहले दिन तक का पूरा साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और ये शब्द कैसे आया बेटा? एक्चुअली ये शब्द आया मेंसेस, मेंसेस शब्द लैटिन शब्द था जिसका मतलब था मंथ, और ये ग्रीक के एक शब्द मून से रिलेटेड था, पता है, मून यानी चांद। ऐसे बोलते ना, इतने चांद नहीं रहते, बीत गई फिर दोबारा पीरियड आएगा, एक महीना मंथ, ठीक है, मंथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, ये किसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल है बेटा? फीमेल प्राइमेट्स की, ठीक है। जो नॉन प्राइमेट फीमेल्स होती हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल होती है, जैसे कि फीमेल हॉर्स, जैसे कि डॉगी, जैसे कि गौ माता, जैसे कि पिग, हाँ, इन सब में, जैसे कि रैट, जैसे कि कैट, उन लोग में क्या होती है? ईस्ट्रस साइकिल। और ह्यूमंस में, मॉन्की में, एप्स में, इनमें क्या होती है बेटा? ये लोग प्राइमेट होते हैं, और प्राइमेट फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये कौन है? ये एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, ठीक है। इसको पहले पीरियड्स आए, पहली बार ब्लीडिंग हुई है, मंथली ब्लीडिंग, और जो पहली बार पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। जो पहली बार पीरियड्स आए, पहली बार मेंस्ट्रुएशन आया है, उसको बोलते हैं मीन आर्की, ठीक है। मीन मीन्स मंथली जो ब्लीडिंग होती है, वो आर्की, उसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है, आर्किस हो गया है, शुरुआत हो गई है। और वो कब होती है बेटा? एट प्यूबर्टी, ठीक है। अच्छा मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? पीरियड्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग
दैट अकर्स एज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स मंथली साइकिल, है ना। मैंने बताया था ना, पहले दिन ब्लीडिंग हुई, उससे लेके अगले महीने जो पहले दिन ब्लीडिंग होगी, वो पूरा साइकिल वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो नॉर और उसमें जो चार पांच दिन, तीन चार दिन जो ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन। नॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग दैट अकर्स एज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स मंथली साइकिल। ये कितने कितने दिन पर बेटा पीरियड्स रिपीट होते हैं, ब्लीडिंग रिपीट होती है, एक एवरेज है 28 से 29 दिन का, ठीक है, एक एवरेज है 28 से 29 दिन का। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 टू 29 डेज, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले, मान लो कि एक फीमेल का हाइट कितना होना चाहिए, 5 फुट 4 इंच, तो क्या हर महिला का 5 फुट 4 इंच होगा, और क्या जो उससे छोटी या बड़ी होगी वो नॉर्मल नहीं होगी? नहीं ना, 5 फुट 4 इंच बहुत सारी महिलाओं का हो सकता है, उससे कम भी होंगी, उससे ज्यादा भी होंगी, वो लोग नॉर्मल ही होंगे हाइट के, है ना। बहुत ज्यादा अगर एकदम लंबे या बहुत ज्यादा छोटे ना हो तो, ठीक है। तो पीरियड्स में भी ऐसी ही कुछ कहानी है, एवरेज 21 से 35 दिन है, कुछ महिलाओं में 21 दिन भी आता है, कुछ में 35 दिन भी आता है, तो वो नॉर्मल है बच्चा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यूट्रस से ब्लड गिर रहा है और बाहर निकल रहा है, हाँ। अभी देखो सिंपल सी डेफिनेशन अगर जानना चाहो तो, साइकिल ऑफ इवेंट्स, क्या क्या इवेंट होते हैं, जैसे लोग इवेंट कराते हैं ना, ये इवेंट कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो साइकिल ऑफ ऐसे ही बॉडी में यूट्रस, ओवरी, ये लोग भी अपना प्लानिंग करते रहते हैं, इवेंट होते रहते हैं इनमें, है ना। क्या क्या इवेंट होंगे, ब्लड गिर रहा है, यूट्रस की दीवार बड़ी हो रही है, ओवरी में ओवम बन रहा है, वो ये सब चीज़ें हैं। साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट, ठीक है, वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट। एक बार ब्लीडिंग हुई, उससे लेकर नेक्स्ट मंथ की ब्लीडिंग तक के साइकिल को बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और ये है एवरेज 28 दिन, वेरीज फ्रॉम 21 टू 35 डेज। ये नहीं कि सब में 28 दिन ही होगा, 28 दिन की साइकिल होगी, ऐसा नहीं होता बच्चा। ये क्या है एक्चुअली बेटा, किसी भी फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसको दो हाफ में बांट दिया, ठीक है, पहला फॉलिकुलर फेज, दूसरा ल्यूटियल फेज, और दोनों के बीच में होता है बेटा ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के पहले फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज, और ये जो फॉलिकुलर फेज होता है ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, क्या, मेंसेस और मेंसेस और प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। पहले 14 दिन हुए बेटा फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी ये सब क्या है, और अगले 14 दिन ल्यूटियल फेज, ठीक है। एक्चुअली इस फॉलिक्यूलर फेज में फॉलिकल मैच्योर होता है, क्या होता है फॉलिकल, इसके लिए आपको ऊजेनेसिस का वीडियो देखना पड़ेगा। क्या होगा, हर ओवरी में 15 से 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होना शुरू होते हैं, जिनमें से कोई एक ही सक्सीड होता है और मैच्योर फॉलिकल यानी ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, जिससे सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। ये सब क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट, ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसके लिए आपको ऊजेनेसिस का वीडियो देखना है, ठीक है। अच्छा, उसको पहले देखना है फिर इस वीडियो को देखना है। दूसरी चीज, ये बन गया, ओवम निकल गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चा, उसके बाद ल्यूटियल फेज चालू होगा। ये जिस फॉलिकल के अंदर से ओवम निकला है बेटा, ओवम नहीं, सेकेंडरी ऊसाइट निकला है, ठीक है, वो जो फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अभी इसको डिटेल में भी पढ़ाएंगे, और आपको अच्छे से इसको देखने के पहले ऊजेनेसिस का वीडियो देखना है,
तो ल्यूटियल साइकिल में बेटा कॉर्पस ल्यूटियम है, इसलिए ये ल्यूटियल साइकिल है, ठीक है। इसका दूसरा नाम सिक्रेटरी फेज भी है। क्या नाम है और नाम? सिक्रेटरी फेज, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है, और एक नहीं दो, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जिसमें जो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस की दीवाल को मेंटेन करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ब्लीडिंग नहीं होनी है, तुम अगले महीने नहीं गिरोगे, उसकी दीवाल को मेंटेन करते हैं। हालांकि ब्लीडिंग नहीं हुई तो वो गिर जाती है लाइनिंग, और इसको सिग्नल जाता है भाई, एक्चुअली पहले बताती हूँ, देखो ब्लीडिंग हुई तो क्या होगा, क्यों होगी ब्लीडिंग बताओ। एक्चुअली बेटा मान लो कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, मान लो प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होता है, यूट्रस सिग्नल भेजता है इसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, कि देखो तुम बहुत हार्मोन बना चुके, अब कोई फायदा नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, तुमने अपना बेस्ट दिया, बहुत हार्मोन बनाया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, हमको बहुत तगड़ा मोटा किया यूट्रस की दीवार को, लेकिन बच्चा ही नहीं आया तो क्या फायदा। तो ये बोलता है ठीक है अब मैं सूख जाऊंगा, कोई प्रोजेस्टेरोन वगैरह नहीं दूंगा, और ये सूख जाता है। और जब ये सूख जाता है, प्रोजेस्टेरोन जाना बंद, तो यूट्रस की जो दीवार है वो भी टूट टूट के नीचे गिरने लगती है और ब्लीडिंग हो जाती है। पर अगर प्रेगनेंसी हुई तो खुशखबरी जाती है इसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, क्या खुशखबरी जाती है, अरे वाह बच्चा आ गया है, तुम और बढ़ो फूलो, और ये कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा हो जाता है और बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और ये और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, यूट्रस की दीवार एकदम मोटू सेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, और वो बच्चे को खाना खून के माध्यम से जाता है ना, तो एकदम पूरा एकदम वार्म रेड वेलवेट कारपेट बन जाएगा बच्चे के लिए, है। ये सब मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, और ऊजेंसिस का भी वीडियो देखना है, ठीक है। तो यही है, इसीलिए ल्यूटियल फेज बोल दिया, और हार्मोन सिक्रीट कर रहा है इसलिए सिक्रेटरी फेज बोल दिया, ठीक है। और ये प्यारा सा एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्या डायग्राम है, एनसीईआरटी का, किस है ना, इसमें भी बेटा देखो, मैं पहले बोला है कि एनसीईआरटी में क्या बोल दिया है कि जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है मेंस्ट्रुएशन के बाद जो आती है, पहले क्या हुआ, शुरुआत में पीरियड्स हुए और यूट्रस की वो दीवार गिर गई नीचे अंदर वाली, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो बढ़नी भी तो चाहिए ना, तो प्रोलिफरेटिव फेज आएगी, फिर ओव्यूलेशन हो गया, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया ओव्यूलेशन के बाद, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, तो सिक्रेटरी फेज आ गया। तो ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज सब ठीक है, मेंस्ट्रुएशन भी ठीक है, ओव्यूलेशन भी ठीक है, इनमें एनसीईआरटी में बोला है बेटा फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज, बट फॉलिकुलर फेज इज फ्रॉम डे 1 to day 13 एंड मेंसेस एंड प्रोलिफरेटिव फेज आर पार्ट्स ऑफ फॉलिकुलर फेज। क्यों बोलते हैं बेटा इस पूरे को फॉलिकुलर फेज, क्योंकि प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेकर मैच्योर फॉलिकल तक पूरा मैच्योर होने का प्रोसेस चलता रहता है इस पूरे पहले से 13 दिन तक। देखो यहाँ पीरियड्स हुए हैं और यहाँ ये फॉलिकल मैच्योर होना चालू किया है, इसलिए पहले हाफ को बेटा बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अभी देखो 14वें दिन क्या होता है, ओवम रिलीज होता है ना, एन ओवम इज रिलीज, ओव्यूलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तो बोला कि मिडिल में ओवम रिलीज होता है, पर ओवम अपनी सहूलियत के लिए लोग बेटा बोलते हैं ये ओवम नहीं, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है, ठीक है। सेकेंडरी ऊसाइट क्या है, इसके लिए ऊजेनेसिस के वीडियो देखने हैं, ठीक है। इट इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मिडिल ऑफ ऐसे मोटा मोटी बोल दिया, लेकिन एक्चुअली बेटा मान लो 21 से 35 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मली, मान लो किसी को 28 दिन की है, ठीक है, और रेगुलर आ रही है, तो अगला जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी वो प्रिडिक्ट कर सकती है ना कोई भी फीमेल, अगर उसे रेगुलरली इतने ही दिन पे आती है तो कि आज आई है मतलब 28 दिन बाद फिर आएगा, तो अगर मान लो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो क्या करेगी, उसको डॉक्टर बोलेगा कि आप बताओ कि आपको पिछली बार पीरियड कब आया था, फिर उसके 1 महीने बाद को देखना है जब अगला पीरियड आएगा, ठीक है, यानी 28 दिन बाद,
तो वो बोलेगी कि कब होगा मुझे ओव्यूलेशन, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, जो अगला पीरियड आने वाला है उसके 14 दिन पहले। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि इस बार जो पीरियड हुए हैं उसके 14 दिन बाद, डॉक्टर क्या बोलेगा, अगला पीरियड आने के 14 दिन पहले। अगर मान लो तो 28 दिन की साइकिल में 14वें दिन हो गया ओव्यूलेशन। मान लो किसी महिला को 35 दिन का हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो अगले पीरियड 35 दिन बाद आएंगे, तो उस 35 के 14 दिन पहले होगा, यानी अगला पीरियड आने के 14 दिन पहले ओवम रिलीज होता है, ठीक है। आप देखो मेजर इवेंट्स को हम पढ़ेंगे, क्या है बेटा मेजर इवेंट्स, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज। मैं बता चुकी हूँ मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग होती है, यूट्रस की दीवार अंदर की गिरेगी, फिर प्रोलिफरेटिव फेज में वो दीवार फिर से बनेगी, ठीक है, फिर ओव्यूलेशन होगा, और उसके बाद ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम वाला फेज। और मेंस्ट्रुअल और प्रोलिफरेटिव फेज को मिला के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। हालांकि बेटा एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है ना बेटा आपकी बुक में कि मेंस्ट्रुएशन इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव बोला है, तो वो ही मानना पड़ेगा। हालांकि बेटा फॉलिकुलर फेज में ये दोनों आते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको मानना है, नीट में तो आएगा वहीं से। देखो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगी, सिंपल ब्लीडिंग होगी, यूट्रस है ना, यहां से यूट्रस से ब्लीडिंग होगी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ही यानी फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल ही ब्लीडिंग से स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, ठीक है, और उसी समय मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी ब्लड निकलता है, ठीक है, फ्लूइड निकलता है, एक्चुअली इसमें बहुत कुछ रहता है, मात्र ब्लड नहीं रहता, यूट्रस की अंदर की दीवार गिरेगी, ब्लड गिरेगा, है ना, काफी चीजें करती है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और कितने दिन के लिए होता है बेटा ये, 3 से 5 दिन, ठीक है, 3 से 5 दिन। अच्छा क्या गिरता है और क्यों होती है ब्लीडिंग, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो अंदर की दीवार है बच्चा वो टूट जाती है, ठीक है, और इट्स ब्लड वेसल, उसके अंदर की ब्लड वेसल्स भी गिरेंगी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी लास्ट में कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है, विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना, ठीक है। अच्छा एक्चुअली देखो क्या होता है ना, बताई देते हैं अभी। मान लो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया और ओवम तो बाहर गया, यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, वो कॉर्पस ल्यूटियम बेटा 10 से 12 दिन तक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से यूट्रस की दीवार एकदम मोटू सेट हो जाती है बच्चे को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब बच्चा तो आया नहीं, मान लो बच्चा तो नहीं आया है, तो क्या होगा, फिर कोई फायदा है क्या कि ये बच्चे के लिए जो रेड वेलवेट कारपेट बना था, रेड कारपेट रिसेप्शन बना था बच्चे के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है, तो यूट्रस खून के आंसू रोता है ना, यूट्रस इसको सिग्नल भेजता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि देखो यार बच्चा आया नहीं है, अब तुमने बहुत अपना बेस्ट दिखाया, प्रोजेस्टेरोन दिया, एस्ट्रोजन दिया, हमको मोटू सेट बनाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, अब तुम बंद करो ये हार्मोन देना, और खुद भी सूखो और हम भी नीचे गिरेंगे, तो कॉर्पस ल्यूटियम सूख के कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, ल्यूटियम सूख के एल्बिकेंस बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम येल्लो होता है, ल्यूटीन वर्ड से आया है येल्लो, और कॉर्पस एल्बिकेंस, एल्बिकेन वाइट वर्ड है, येल्लो से वाइट हो जाएगा, पता है क्यों होता है वो येल्लो कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा होता है और कोलेस्ट्रॉल से ही प्रोजेस्टेरोन डिराइव होता है, ठीक है। लेकिन अब तो इन हॉर्मोन्स की जरूरत है नहीं, तो वो भी सूख जाएगा और वाइट हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने एक ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा एंड्रोमेट्रियम की भी एक्चुअली बताऊं बेटा आपको, अभी तो कोर्स में नहीं है, जब आप MBBS में जाओगे तो पढ़ोगे, 3 लेयर्स होती हैं एंडोमेट, यूट्रस में 3 लेयर हैं, अंदर वाली एंड्रोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में भी 3 लेयर है, सबसे अंदर कॉम्पैक्ट लेयर होती है, फिर बीच वाली होती है ग्लैंडुलर लेयर, और सबसे नीचे होती है बेसल लेयर,
पता है क्या क्या, कॉम्पैक्ट सबसे अंदर, फिर ग्लैंडुलर और फिर बेसल लेयर। ठीक है, ये आप पढ़ोगे नहीं, ये आपके कोर्स में नहीं है, एमबीबीएस के कोर्स में। कॉम्पैक्ट और ग्लैंडुलर को मिला के बेटा बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और नीचे वाली होती है स्ट्रेटम बेसलिस, ये वाली। और हर महीने जब पीरियड्स होते हैं, ठीक है, तो यही फंक्शनलिस यानी कि ये पहली दो लेयर अंदर वाली ये गिरती है ब्लीडिंग में, लॉस्ट इन मेंसेस। और जो बचती है ना बेसल लेयर, उससे पीरियड खत्म होने के बाद फिर से ग्रोथ होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर आप डायग्राम में देखो तो ये एक नीचे एक लेयर बची हुई है बेटा, ठीक है, और ऊपर की स्लफ हो रही है यानी गिर रही है। तो ऊपर वाली स्ट्रेटम फंक्शनलिस वाली हो गई दो लेयर्स, ठीक है, और नीचे की बेसल लेयर। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन ईच साइकिल, हर महीने किसी महिला को कितना ब्लड निकल सकता है बच्चा, 5 से 80 ml, कितना 5 to 80 ml। ठीक है, 5 ml से कम होगा तो एबनॉर्मल, 80 ml से कम होगा तो एबनॉर्मल। हालांकि बेटा इन जनरल 20 से 80 ml निकलता है, ठीक है, फिर भी 5 है लोअर लिमिट। अभी देखो मेंस्ट्रुएशन कब होगा, इट अकर्स ओनली इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी जो ओवम नहीं बोलना चाहिए बेटा, ऊसाइट बोलना चाहिए, इफ द रिलीज्ड ऊसाइट, ठीक है, वो ऊसाइट रिलीज हुआ वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन होगी। कैसे बेटा, जब ये फर्टिलाइज नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा, बच्चा नहीं बनेगा तो यूट्रस सिग्नल भेजेगा 10-12 दिन बाद यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम को कि देखो भाई बच्चा नहीं आया है, अब हमको हार्मोन मत दो, ठीक है, तुम भी सूखो और हमारे लिए हार्मोन का भी खाना पानी बंद करो, अब हमको भी नीचे गिरने दो, और खून के आंसू यूट्रस रो रहा है। सो मेंस्ट्रुएशन अकर्स ओनली इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कितना सिंपल है ना। अमेनोरिया क्या है बेटा, अ मींस एब्सेंट, ठीक है, और मेनोरिया मींस पीरियड्स, पीरियड्स ना आना, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। क्या हो सकता है सबसे कॉमन कॉज, सबसे कॉमन कॉज है प्रेगनेंसी, हाँ नॉर्मल कॉज, और बाकी स्ट्रेस वगैरह। देखो कॉजेज में प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ये स्ट्रेस और पुअर हेल्थ ने क्या कर दिया बताओ। एक्चुअली देखो अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यूट्रस, ठीक है, यूट्रस जो होता है, ओवरी जो होती है, वो सिग्नल भेजते हैं यहाँ दिमाग में ऊपर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब होते हैं ना हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको सिग्नल भेजते हैं कि देख भाई अब हमको ऐसा कोई हार्मोन मत भेजना जिससे कि ये साइकिल वाले काम हो, अभी हमारे यहाँ बच्चा है, ठीक है, उसी को देखना है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी वाला हो गया। और स्ट्रेस में क्या हो जाता है, एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मास्टर होता है हार्मोन सिक्रीट करने में, हार्मोन सिक्रीट करेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करेंगे, जिससे फाइनली टेस्ट ये ओवरी वगैरह पे इफेक्ट पड़ेगा, ओवरी यूट्रस पे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस मास्टर के ऊपर भी एक और मास्टर है, और वो है दिमाग का लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम जो कि मूड वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूड के लिए आदमी परेशान है क्या है, ठीक है, तो अगर मूड खराब है, स्ट्रेस में है आदमी, तो हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट पड़ेगा, और हाइपोथैलेमस से ही वो हार्मोन निकलते हैं जो फाइनली गुण एक फाइनली देखो इस पे एक्चुअली वो हार्मोन निकलते हैं जो गोनैड्स के लिए हार्मोन सिक्रीट कराएंगे, मतलब इससे निकला गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनैडोट्रोपिन क्या होता है बेटा, ऐसा हार्मोन जो गोनैड के लिए ट्रॉपिक हो यानी न्यूट्रिशन दे गोनैड को, ठीक है, तो उसको रिलीज कराने वाला हार्मोन निकलेगा हाइपोथैलेमस से, ठीक है, तो गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये गोनैडोट्रोपिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन तो निकल गया, पर ये गोनैडोट्रोपिन कहाँ से रिलीज कराएगा बेटा, ये कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो रिलीज कर देगी गोनैडोट्रोपिन्स जो कि होते हैं, ये गोनैडोट्रोपिन क्या होते हैं, FSH एंड LH, ठीक है, तो वो जाकर के ओवरी पे इफेक्ट करते हैं। तो जब ऊपर, अच्छा ये हाइपोथैलेमस होता कहाँ है,
मान लो कि हम ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, हम लोग ने ब्रेन बनाया, यहां होता है बेटा, ठीक है, कहां होता है, यहां पे हाइपोथैलेमस है और यहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस जो है और यहां एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला और उसने गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज कराया, कहाँ से बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। गोनेडोट्रोपिन कौन थे, LHFSH, तो इसने सिक्रीट किया हाइपोथैलेमस ने GnRH, और पिट्यूटरी ने सिक्रीट किया FSH एंड LH, ठीक है। और वो कहाँ काम करेंगे बेटा, टेस्टिस और ओवरी पे जाके काम करेंगे, ठीक है, मेल में टेस्टिस पे, फीमेल में ओवरी पे। अभी हम फीमेल पढ़ रहे हैं तो ओवरी को देखना है, ठीक, इतना हो गया। तो जब हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल करने वाला कोई है, लिम्बिक सिस्टम, मूड को, तो फिर ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसीलिए स्ट्रेस इज अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी दीज डेज, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। और पुअर हेल्थ रहेगी तो अभी दिमाग ऐसे गड़बड़ रहता है, लिम्बिक सिस्टम, मूड वूड सब कंट्रोल करता है, तो फिर गया आदमी, है ना, सब डिस्टर्ब हो गई, साइकिल्स डिस्टर्ब हो गई। अब कुछ एबनॉर्मैलिटीज पढ़ते हैं, क्या, अमिनोरिया, ये क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, पीरियड्स का ना आना, ओलिगोमिनोरिया, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं ब्लीडिंग कम हुई, नहीं, ब्लीडिंग बहुत बहुत दिन पे हो रही है, और वो भी कोई रेगुलर नहीं है कि कभी 40 दिन पे हो गई, कभी 60 दिन पे हो गई, मतलब कुछ रेगुलरिटी ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओलिगोमिनोरिया। लेस फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रेस, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, ये नहीं कि हर महीने रेगुलर से आ रहा है, बहुत कम कम दिन पे आ रहा है, तो ओलिगो मींस लेस फ्रीक्वेंट मेंसेस, एंड पॉली मींस बेटा मोर फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। 21 दिन से 35 दिन नॉर्मल होता है, 21 दिन से भी कम कम दिन पे आना, मान लो किसी को 15 दिन पे आ रही है तो एबनॉर्मल हुआ ना, पॉलीमिनोरिया हो गया, ठीक है, और किसी को बहुत बहुत दिन पे आ रही है तो वो भी एबनॉर्मल हुआ, ओलिगोमिनोरिया। अब देखो ये तो हो गया कितने कितने दिन पे आ रही है, फिर कितना ब्लड निकल रहा है, ठीक है, कितना ब्लड निकल रहा है, मान लो कि बहुत कम ब्लड निकल रहा है, 5 ml से भी कम निकल रहा है, तो हाइपोमिनोरिया, और हैवी ब्लीडिंग बेटा मिनोरेजिया, मिनोरेज, ये क्या स्पेलिंग लिखी, मिनोरिया, ठीक है, मिनोरेजिया। इसमें बेटा 5 से 80 हमने बताया था नॉर्मल, तो 80 ml से भी ज्यादा वो भी एबनॉर्मल है, एनीमिया होगा, कितनी समस्या होगी बॉडी में, है ना, खून की कमी हो जाएगी। डिसमोनोरिया बेटा पेनफुल ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा दर्द होना ब्लीडिंग के समय महिला को, ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े, अब बेटा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म, एबनॉर्मैलिटीज पढ़ ली, अभी देखेंगे फॉलिकुलर फेज। अच्छा, फॉलिकुलर फेज मैंने बताया था इसी के दो पार्ट है, मेंस्ट्रुअल और ये प्रोलिफरेटिव फेज। एक्चुअली अब हमको देखना है प्रोलिफरेटिव फेज है, लेकिन अब हम शुरू में आपको बता चुके हैं कि पहला हाफ जो होता है फॉलिकुलर, दूसरा हाफ ल्यूटियल, और दोनों के बीच में बेटा ओव्यूलेशन, ठीक है। और देखो ये फॉलिकुलर फेज जो है इसी के दो पार्ट हैं, पहला मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज। और उसके बाद ल्यूटियल को क्या बोलते हैं बेटा, सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज इज सिक्रेटरी फेज, है ना, ठीक है, हम मेंसेस पढ़ चुके हैं, अब हमको प्रोलिफरेटिव फेज पढ़ना है कायदे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरे फॉलिकुलर फेज का डिस्कशन किया गया है, क्या हो रहा है, देखो पूरे फॉलिकुलर फेज को अगर आप ले लो, ठीक है, ओव्यूलेशन के पहले, प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलो, तो प्री ओव्यूलेटरी फेज, इसमें क्या होगा, इसमें ओवरी में जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, जब एक बच्ची का जन्म होता है बेटा तो उसकी ओवरी में लगभग 2 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर होती है तो काफ़ी कम हो जाते हैं प्यूबर्टी आने तक, अच्छा लगभग 60,000 से 80,000 हर ओवरी में, ठीक है, रह जाते हैं। अब वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा बेटा, प्राइमरी फॉलिकल में, और इसके लिए किसी हार्मोन की जरूरत नहीं है। बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल पर FSH वर्क कर रहा है, नो, FSH works on primary follicle, ठीक है, primordial follicle, primary follicle में हर महीने अपने आप
चेंज होना चालू होगा। किसके इफेक्ट से? ओवरी के अंदर कुछ लोकल सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं उसी जगह पे, वही इफेक्ट करते हैं और प्राइमोर्डियल फॉलिकल बेटा बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। और फिर क्या होता है, FSH आ करके प्राइमरी फॉलिकल पर वर्क करता है, ठीक है, और प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी बनेगा, टर्शियरी, टर्शियरी बनेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। सो प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ FSH। सो FSH वर्क ऑन प्राइमरी फॉलिकल, नॉट ऑन प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब देखो बेटा, लगभग हर महीने 10 से 20, ठीक है, वही 15-20 है ना, लगभग 10 से 20 प्राइमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मैच्योर होने की कोशिश करते हैं, ये बने प्राइमरी फॉलिकल। ओवरी में कुछ सब्सटेंस थे लोकल सिक्रीट हुए केमिकल, उनके इफेक्ट से ही प्राइमरी फॉलिकल बने। फिर इस पर प्राइमरी में FSH ने वर्क किया। FSH मतलब होता है बेटा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिम्युलेट कर देगा। पर ये किस फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगा बेटा? प्राइमरी फॉलिकल, नॉट प्राइमोर्डियल, ठीक है, नॉट प्राइमोर्डियल। प्राइमरी फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगा और प्राइमरी फॉलिकल बनेगा सेकेंडरी। लेकिन जानते हो, जब ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? एक्चुअली बेटा इसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। प्राइमोर्डियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सिंपल सा क्या है, प्राइमरी ऊसाइट और उसके बाहर फ्लैट सेल्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं उनको। फिर प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या में कैसे कन्वर्ट हुआ? कुछ नहीं, बस फ्लैट सेल क्यूब शेप के हो गए, क्यूबॉइडल बन गए। फिर FSH आया और उसने क्या किया, इसको सेकेंडरी फॉलिकल बनाया। अब सेकेंडरी फॉलिकल का क्या स्ट्रक्चर था? वो और कुछ नहीं, बस देखो क्या है, ये है प्राइमरी ऊसाइट और इसके बाहर ज्यादा लेयर्स आ गई, ग्रैनुलोसा है ना, ये क्यूब क्यूब शेप की, इसकी कई लेयर्स आ गई, ठीक है, कई लेयर्स। और उनके बाहर क्या आ गया? उनके बाहर में बेटा एक थीका आ गई। क्या आ गई? थीका लेयर। इतना ही था सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। तो पता है क्या होता है जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है? ये बदमाश होता है। ये क्या होता है? बदमाश। जो बहुत सारे फॉलिकल एक साथ ग्रो होना शुरू हुए, कोई धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कोई तेज ग्रो कर रहा है, जो सबसे तेज ग्रो कर जाता है ना सेकेंडरी फॉलिकल, जो रेस में सबसे फर्स्ट आता है, वो क्या करता है, उसमें ये थीका लेयर होती है। क्या होती है? थीका लेयर। इससे इससे क्या सीक्रेट होता है पता है? एंड्रोजन, मेल हार्मोन। एंड आई नो आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल, ठीक है। ये थीका एंड्रोजन सीक्रेट करती है, यानी फीमेल की ओवरी में पहले एंड्रोजन सीक्रेट हुआ, उसके बाद ये फॉलिकल सेल में जाएगा, यानी ग्रैनुलोसा सेल में एंड्रोजन जाएगा। और ग्रैनुलोसा सेल एक एंजाइम की मदद से, एक एंजाइम की मदद से इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ईस्ट्रोजन में। जानते हो वह एंजाइम कौन सा होता है? हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, MBBS के कोर्स में है, पर बताते हैं, एरोमेटेज, लेकिन इसको याद नहीं करना। मतलब सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर जो थीका थी कवरिंग, उसने मेल हार्मोन सिक्रीट किया, वो हार्मोन फॉलिकल सेल्स के पास गया, यानी ग्रैनुलोसा सेल्स के पास, और उनने बोला अरे यार महिला है ये, महिला हार्मोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को एरोमेटेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। तो अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? बन गया एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। कहाँ गया बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और बोलेगा देखो अब तुम FSH भेजना बंद करो, ठीक है, मैं बड़ा हो गया हूं, तुमको मुझे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड FSH भेजना बंद कर देगा। लेकिन फिर क्या होगा? जो बाकी फॉलिकल बेचारे धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, अभी उतने आगे नहीं बढ़े थे, फर्स्ट नहीं आए थे, वो लोग मर जाएंगे।
बिकॉज दोज वे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन FSH फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया। मान लो एक आदमी के एक पापा हैं, उनके 8-10 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा बड़ा हो गया है ना जल्दी से, और क्या हुआ, उसने अपने पापा को, पापा कहीं विदेश में रहते थे, सिग्नल भेजा कि देखो भाई अब हम बड़े हो गए हम लोग, और आपको हमको पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। तो वो तो कमा लेगा, अपना खा लेगा। यानी कि ये जो अच्छे से ग्रो कर गया हार्मोन सेकेंडरी फॉलिकल, ये बिना FSH के अपना गुजारा चला लेगा। लेकिन जो बाकी छोटे छोटे बच्चे जो नहीं पैसा कमा सकते, जो बाप पे निर्भर थे यानी कि FSH पे निर्भर थे, वो तो मर जाएंगे, है ना। और एक राजा जो बचा है वो ही अच्छे से ग्रो करेगा, उसको बोलते क्वीन, वो क्वीन फॉलिकल। ठीक है, वो है क्वीन फॉलिकल, और वही ग्रो करेगा और फाइनली वही क्या बनेगा बेटा, वही टर्शरी फॉलिकल बनेगा, और वही ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा, उसी से ओवम बनेगा, सब कहानी वही है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो सेकेंडरी फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करके सिग्नल कब भेजता है यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड को, लगभग 7वें दिन। ठीक है, 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी देखो पीरियड्स हो गए हैं, ठीक है, यानी मेंसेस खत्म हो गई है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो यूट्रस के अंदर की दीवार थी एंडोमेट्रियम, वो रीजेनरेट भी तो करेगी ना बेटा। और मैंने बोला था कि जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो गिर जाती है नीचे, स्लफ ऑफ, ठीक है, और जो नीचे बचती है स्ट्रेटम बेसेलिस, उससे दोबारा ग्रो करेगा एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम रीजेनरेट्स, एक्चुअली स्ट्रेटम फंक्शनलिस रीजेनरेट्स फ्रॉम स्ट्रेटम बेसेलिस। ठीक है, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। अब देखो मैंने तीन चीजें बताई, इस्ट्रोजन बढ़ा, ठीक है, उसने जाके दिमाग को सिग्नल दिया कि FSH बंद करो। अच्छा देखो, इस्ट्रोजन बढ़ा, प्रोलिफरेटिव फेज बढ़ा, सॉरी यूट्रस की दीवार में प्रोलिफरेशन हुआ, और क्या हुआ था, फॉलिकल मैच्योर हुए थे। तो लोग कहते हैं कि FSH फेज भी है, फॉलिकुलर फेज भी है, प्रोलिफरेटिव फेज भी है, एस्ट्रोजन फेज भी है, पर एक अच्छा डॉक्टर क्या बोलेगा, एज फार एज ब्लड लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इज कंसर्न्ड, एज फार एज बच्चा ब्लड लेवल ऑफ हॉर्मोन्स इज कंसर्न्ड, इट इज ईस्ट्रोजेनिक फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एज फार एज यूट्रस इज कंसर्न्ड एंडोमेट्रियम इज कंसर्न्ड, एंडोमेट्रियम इट इज प्रोलिफरेटिव फेज, ये ऊपर लिखा है, है? And as far as ovary is concerned, it is follicular phase. अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे याद करना, हालांकि डॉक्टर बनोगे तो ऐसे याद करोगे, ठीक है। अभी देखो एक कहानी शुरुआत करते हैं, ये कहानी राजा रानी की नहीं फॉलिकल की है, यहाँ प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, बच्ची जब मैच्योर हुई, मैच्योर नहीं टीनेज बनी, ठीक है, जब प्यूबर्टी आ रही है, तो हर महीने अपने आप ओवरी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब इस प्राइमरी फॉलिकल पर कौन काम किया, FSH, ठीक है, और उसने बोला कि भाई अब तुझे सेकेंडरी फॉलिकल बनना है। सेकेंडरी फॉलिकल बदमाश था, उसने भेजा एस्ट्रोजन पिट्यूटरी वगैरह को, ऊपर बोला कि देखो अब अपने को FSH वगैरह नहीं चाहिए, बंद करो। ठीक है, तो FSH बंद हुआ, और क्या हुआ फिर बाकी फॉलिकल मर गए, कई ठन चालू हुए थे ना 15-20, यहाँ तो एक फॉलिकल की साइकिल दिखाई है फोटो में बेटा, कई फॉलिकल एक साथ ग्रो करना चालू किए रहते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग मर गए, ये राजा अब क्या होगा पता है, ये था बदमाश, इसने दोबारा से क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा साइज में, ठीक है, और ज्यादा एस्ट्रोजन बनाया, और फिर से सिग्नल भेजा किसको, यहां पिट्यूटरी ग्लैंड में, और बोला कि अब तुम दोबारा से FSH भेजो। ऐसा करेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसने जो FSH कम करवाया था ना, वो दूसरे अपने भाई बहनों को मारने के लिए करवाया था, अब फिर से इसको चाहिए, जैसे एक बच्चा है ना बदमाश, उसने बाकी लोग को मरवा दिया, फिर दोबारा पापा से बोलता है मैं बड़ा नहीं हुआ मुझे पैसे दो,
तो इसको FSH चाहिए, पैसे चाहिए। ठीक है, तो मिड साइकिल में बेटा फिर से एक बार FSH बढ़ता है और LH तो खतरनाक बढ़ता है, हम पढ़ेंगे आगे। अभी देखो यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी बना सेकेंडरी, सेकेंडरी बनेगा बेटा टर्शियरी। ठीक है, और कैसे बनेगा ये देखो, ये जो है एक मिनट, ये है प्राइमोर्डियल, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है अर्ली टर्शियरी और ये है लेट टर्शियरी। टर्शियरी में क्या होता है पता है, ये कैविटी आ जाती है, ये कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और लेट टर्शियरी में और बड़ी हो जाती है कैविटी, और उसके बाद ये मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल और बड़ी कैविटी। ठीक है, ऐसा क्या हो जाता है बेटा, ऐसा क्या हो जाता है कि ये फॉलिकल बढ़ता जा, ये पानी बढ़ता जाता है, एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल की लेयर आएगी और सेल से फ्लूइड निकलेगा। ठीक है, पहले तो कमी सेल की लेयर थी, ग्रैनुलोसा सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते गए तो पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होता गया, और वो जो पानी होता है वो रिच होता है किसमें, एस्ट्रोजन में, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन है ना, और वो एस्ट्रोजन उस फ्लूइड में जाते जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे एकदम ज़्यादा एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर वो जाके सिग्नल देगा कि अब दोबारा से FSH और LH ज़्यादा भेजो। ठीक है, फिर LH बहुत ज़्यादा आएगा और LH क्या करेगा पता है, LH क्या करेगा ना, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसके बाहर ब्लड वेसल्स जो है उनको एकदम ज़्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा तो जो खून आएगा, तो खून में तो पानी रहता है ना, वो पानी पूरा इसके अंदर भर जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, ओवरी के अंदर कोई छेद तो होता नहीं है, छेद तो है नहीं, लेकिन ओवम को बाहर निकलना है तो क्या होगा, कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वो एंजाइम क्या करेंगे, ओवरी की वॉल को थोड़ा डिस्ट्रॉय करेंगे और ये फॉलिकल थोड़ा सा ऊपर आएगा, है ना, ऊपर आएगा, जो जितना ग्राफियन फॉलिकल ऐसे ओवरी की दीवार फोड़ के बाहर निकलता है ना, उसको बेटा बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा, और वो फट जाएगा और ओवम बाहर। ठीक है, यहाँ फट गया, ये एक्चुअली ओवम उवम बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी ऊ साइट निकलता है एक्चुअली, यहाँ से सेकेंडरी ऊ साइट हो गया, क्या हो गया, बाहर, यहाँ दिख रहा है ना, सेकेंडरी ऊ साइट बाहर निकला। ठीक है, तो LH ने क्या क्या किया था बेटा, LH ने क्या किया था, यहाँ जो ग्राफियन फॉलिकल था उसके बाहर खूब सारा ब्लड सप्लाई को एकदम बढ़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए ब्लड से। ठीक है, जैसे भी कुछ एंजाइम्स रिलीज हुए, वो ओवरी की दीवार को थोड़ा तोड़फोड़ करे, डाइजेस्ट करे, और फिर वहां से ग्राफियन फॉलिकल ऐसे पहाड़ जैसा थोड़ा सा निकला। ठीक है, ऐसे अपने सर घुसा के निकला और क्या हुआ, फिर निकाल दिया ओवम। लेकिन एक बात बताएं, लगभग 20% महिलाओं में जब ओव्यूलेशन होता है तो उस समय पेन होता है। वो पेन क्यों होता है, ये जो ब्लड वेसल भी थे ना इसमें ग्राफियन फॉलिकल के बाहर, तो जब ये फटा ग्राफियन फॉलिकल तो क्या क्या निकला, फ्लूइड निकला, सेकेंडरी ओसाइट निकला, और क्या निकला, उस सेकेंडरी ओसाइट के बाहर कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स भी साथ में निकले और ब्लड भी निकला, उन सब की वजह से पेन होगा। अभी मैं आगे बताऊंगी उसको क्या बोलते हैं, किसी किसी को ही होता है पेन, सबको नहीं होता। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी ऊ साइट निकलता है ना बेटा बाहर, ठीक है, ये सेकेंडरी ऊ साइट के बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होती है विच रेडिएट्स लाइक क्राउन, इसलिए बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इसके लिए आप ऊ जेनेसिस वाला लेक्चर अच्छे से देखना। ठीक है, ये सेकेंडरी ऊ साइट के बाहर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होती है एंड इट रेडिएट्स लाइक क्राउन, ठीक है, ताज की तरह रेडिएट करता है ऐसे, इसलिए बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना वायरस आप सब जानते हो, क्राउन के लिए बोल रहे हैं कोरोना कोरोना, तो ये कोरोना रेडिएटा है ना कि कोरोना वायरस। ठीक है, अभी देखो फॉलिकुलर फेज में और क्या होगा बेटा, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी में, अच्छा एक चीज और बताती हूँ, ये जो लगभग जो ओव्यूलेशन के समय पहले ही ये जो इस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ा था ना,
जिसने जाके पिट्यूटरी को बोला था एलएच भेजो, एफएसएच भेजो, ये एस्ट्रोजन एक और काम करता है। ये यूट्रस का जो नीचे का पोर्शन होता है ना सर्विक्स, ऐसे यूट्रस है, यूट्रस के नीचे सर्विक्स होता है ना, वहां पे सिक्रीशन कराता है, एकदम पतली पतली सिक्रीशन, एकदम लिक्विड सिक्रीशन है ना, और ऐसे ऐसे छुएंगे तो ऐसे ऐसे तार जैसा बनेगा, वो सिक्रीशन इसलिए होता है ताकि स्पर्म अच्छे से जा सके। तो एस्ट्रोजन इस काम को भी करता है, एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके बोलता है एलएच एफएसएच भेजो, वो नीचे सर्विक्स के पास जाता है ब्लड के थ्रू और बोलता है कि सिक्रीशन पतले करो, ठीक है स्पर्म आएगा, आ सकता है मे बी बच्चा हो जाए, ऐसा ऐसा प्लानिंग करते हैं ये लोग। तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी में, यूट्रस में है ना, यूट्रस प्रोलिफरेट करी है अच्छे से, फिर ओव्यूलेशन के पहले यूट्रस का जो सर्विक्स पोर्शन है वहां से फ्लूइड वाला डिस्चार्ज निकल रहा है। दीज आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, बताया ना पिट्यूटरी एलएच एफएसएच एंड ओवेरियन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन क्या हो गया बेटा, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, और ओवरी के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना। तो इसको अभी हम देखेंगे अच्छे से, क्या अभी बताते हो, चलो देखो शुरू में क्या है ये बताओ, एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करना चालू करता है, एस्ट्रोजन सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है सेकेंडरी फॉलिकल की जो लेयर्स होती है ना ग्रैनुलोसा सेल वाली, वहां से निकलता है एस्ट्रोजन, ठीक है। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तब तो निकलेगा ना, शुरू में तो प्राइमोर्डियल था तो एस्ट्रोजन भी कम था, फिर धीरे धीरे ये बढ़ा है ना, और उसके बाद एकदम सेकेंडरी फॉलिकल की ग्रोथ होती गई, एस्ट्रोजन भी बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, तो फिर कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओव्यूलेशन जब हो जाता है बेटा तो जो ग्रेफियन फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, वो एक एक्चुअली ओवम निकल गया, जो बचा खुचा ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर था वो अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल भर लेता है, चर्बी येलो हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल से प्रोजेस्टेरॉन बनता है, और जो थोड़े बहुत एक्चुअली फॉलिकुलर सेल्स में ही तो फैट जमा हो रहा है ना कोलेस्ट्रॉल, और फॉलिकल सेल पहले एस्ट्रोजन तो बनाते ही थे, तो एस्ट्रोजन भी बनाते रहेंगे थोड़ा बहुत, और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे बेटा, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा है और कोलेस्ट्रॉल से प्रोजेस्टेरॉन बनेगा, ठीक है। तो क्या क्या बना, ये एस्ट्रोजन फिर से बढ़ा धीरे धीरे, इसका काम था ना, इसका कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारा, लेकिन लगभग इसने 10-12 दिन तक बनाया, ठीक है, ये ऐसे बनाता गया। लेकिन फिर यूट्रस ने इसको सिग्नल भेजा ओवरी को कि अरे यार, कॉर्पस ल्यूटियम को बोला कि बच्चा बच्चा तो है नहीं, तुम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बनाए जा रहे हो, बंद करो, ठीक है, तो बंद हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, सूखेगा कॉर्पस ल्यूटियम, सूख जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे फिर से फॉल होगा लेवल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सूखेगा, वही तो बना रहा था ना, तो ये फॉल होना चालू हो जाएगा। अब आते हैं पिट्यूटरी हार्मोन पे, शुरू में एफएसएच था थोड़ा अच्छे मात्रा में, और फॉलिकल को स्टिमुलेट करता था, प्राइमरी फॉलिकल को, ठीक है, फिर ये अच्छे अच्छे मात्रा में था, फिर जब सेकेंडरी फॉलिकल से एस्ट्रोजन बनने लगा तो उसने सिग्नल भेजा यहाँ ऊपर में पिट्यूटरी ग्लैंड को कि बंद करो भेजना, तो ये कम हो गया, ठीक है कम हो गया, लेकिन ये था बदमाश सेकेंडरी फॉलिकल, बाकी फॉलिकल लोग को मारने के लिए इसने एस्ट्रोजन के एफएसएच की सप्लाई बंद करवाई थी, जब वो लोग मर गए तो फिर बोला अब भेजो दोबारा, ठीक है, तो फिर से बढ़ गया एस्ट्रोजन एफएसएच, ठीक है। और एलएच जो होता है बेटा वो शुरू से ही थोड़ा बहुत कम रहता है एफएसएच की तुलना में, लेकिन बाद में जब ओव्यूलेशन का समय आता है तो ये एलएच खतरनाक मात्रा में बढ़ जाता है बेटा, इसको एलएच सर्ज बोलते हैं, ठीक है। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिन, ठीक है, यानी वाइट, और कॉर्पस ल्यूटियम पे ये वर्क करता है, ठीक है। कॉर्प एक्चुअली ओवम निकलने के बाद जो बनता है बचता है ग्रेफियन फॉलिकल, उसमें चर्बी भर देता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, क्या करता है ये, चर्बी भर देता है, और
उसको कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो अब इसका काम खत्म, अब इन लोग ने उसको कन्वर्ट कर दिया है कॉर्पस ल्यूटियम में, तो अब वो अपना काम करता रहे, अब ये लोग अपना कम हो जाएंगे। इनका काम था ओव्यूलेशन कराना और ग्राफियन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में बदल देना, वो हो गया, ये भी घट गए, ठीक है। तो ये बोला था ना एनसीईआरटी में हार्मोन का काम होता है पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन का, यही काम होता है बेटा। फॉलिकुलर फेज, ठीक है, इसमें बोला है ना सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स कहाँ से होते हैं, सिक्रीट एंटीरियर पिट्यूटरी से, इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट। मैंने बताया ना ये क्या कर, किस पे इफेक्ट करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल को बोलते हैं कि तुम क्या बनो, सेकेंडरी फॉलिकल बनो, एंड सिक्रीशन ऑफ इस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल। फिर जब वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है तो वो इस्ट्रोजन सिक्रीट करता है ना, ठीक है, ये काम करवाते हैं ये लोग। हालांकि जब इस्ट्रोजन सिक्रीट हो जाएगा तो इनके लेवल कम होंगे, ठीक है, लेकिन जब इस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो फिर से ये बोलेगा कि आओ अब तुम लोग, ठीक है, FSHLH अलग ही डिज़ाइन से काम कर रहा है ये। फॉलिकुलर एट्रीजिया, ये क्या है, मैंने बताया ना जो बदमाश फॉलिकल था जो सबसे पहले बढ़ गया था, उसने इस्ट्रोजन, उसके इस्ट्रोजन ने जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि अब FSH बंद करो, तो FSH बंद हुआ तो जो बाकी जो छोटे मोटे फॉलिकल ग्रो कर रहे थे वो मर गए, ठीक है, वही होता है फॉलिकुलर एट्रेजिया, और उन फॉलिकल को बोलते हैं एट्रेटिक फॉलिकल, क्योंकि उनमें उनमें क्या हो रहा है, एट्रेजिया हो रहा है। तो डीजेनरेशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ फॉलिकल्स, एवरी मंथ ओनली डोमिनेंट फॉलिकल हैविंग क्वीन एग, उसके अंदर जो ऊसाइट है उसको क्वीन एग बोल देते हैं, क्योंकि वही बचा ना, वही राजा रानी जो भी है, इज लेफ्ट एंड अंडरगोज ओव्यूलेशन, उसी में ओव्यूलेशन होगा उसी फॉलिकल में, एंड अदर्स डीजेनरेट बिकॉज इस्ट्रोजन इज सेंड सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप सेंडिंग FSH, बंद करो भेजना, ताकि ये लोग मर जाएं, ये लोग अभी भी तुम पे डिपेंडेंट है, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं बोलता है, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, ठीक है, जो साइकिल का मिडिल होता है बच्चा, उसमें ये तगड़े मात्रा में गो करते हैं। मैंने बताया ना कि जैसे ही बाकी फॉलिकल मरे, वो सेकेंडरी फॉलिकल फिर से सिग्नल भेजेगा बहुत सारा एस्ट्रोजन बना करके कि यार ये लोग मर गए, अब तुम दोबारा भेजो LH FSH, और बहुत मात्रा में सिक्रीट होगा। FSH तो फिर भी थोड़ा कम है, LH तो 10 गुना ज्यादा सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या कराएगा, वो ओव्यूलेशन कराएगा, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल जो फटा है उसको उससे, ठीक है। ये लगभग कब होगा मिडिल ऑफ साइकिल में, 14th डे लगभग, ठीक है, अगर 28 दिन की साइकिल है एवरेज। ये क्या है बेटा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, कुछ नहीं, वही जो अभी तक मैंने कहानी समझाई कि हाइपोथैलेमस है, ठीक है, उसने क्या सिक्रीट किया, GnRH, क्या सिक्रीट किया बेटा, GnRH, उसने कहाँ का, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा सब्सटेंस जो गोनेडोट्रोपिन को रिलीज करवा दे। गोनेडोट्रोपिन कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज करवाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसमें भी एंटीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं बेटा, आगे वाला और पीछे वाला, आगे वाले से रिलीज करवाएगा, और वो आगे वाला हिस्सा क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज करेगा, दो गोनेडोट्रोपिन होते हैं LH FSH, ठीक है, FSH और LH रिलीज कराएगा। गोनेडोट्रोपिन शब्द का मतलब क्या है, एक्चुअली ये लोग जा करके गोनेड पे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक यानी न्यूट्रिशनल इफेक्ट एक तरीके से बोलो तो, ये अपना अच्छा ट्रॉपिक इफेक्ट डालेंगे, तो गोनेडोट्रोपिन गोनेड यानी टेस्टिस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ट्रॉपिक इफेक्ट। अभी देखो FSH ने क्या किया बेटा, प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट किया तो सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर फाइनली क्या बन गया, एक दिन क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। हालांकि देखो जब प्राइमरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तो कौन सा हार्मोन बनना चालू हो गया था, इस्ट्रोजन, ठीक है। अब देखो इस्ट्रोजन क्या बोलता था जा करके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कि अब हमें हार्मोन नहीं चाहिए, ये FSH का सप्लाई अब दोबारा नहीं आना चाहिए, अभी फिलहाल नहीं आना चाहिए, ताकि बाकी फॉलिकल लोग मर जाए, ठीक है, तो मर गए बाकी फॉलिकल लोग। लेकिन जैसे ही वो लोग मरे फिर ये बोलेगा भेजो यार, अब भेजो, अब अपने को चाहिए,
है ना। तो यहाँ लिखा है कि जब बहुत ज्यादा इस्ट्रोजन हो जाएगा तो फिर से बोलेगा यहाँ जाकर के कि भेजो जल्दी से, ठीक है। कब बोलेगा? ग्रेफियन फॉलिकल स्टेज में। ग्रेफियन फॉलिकल स्टेज में जाएगा और बोलेगा यार जल्दी भेजो, अपने को चाहिए FSHLH, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है उसके बाहर पूरी तगड़ी ब्लड सप्लाई आएगी, है ना। उसकी जो ओवरी की दीवार है उसमें एंजाइम लोग खोखला बनाएंगे ताकि वहाँ से ओवम निकल सके। ये सब काम यूटिलाइजिंग हार्मोन ही करेगा, इसलिए इसको चाहिए, ठीक है। तो बोलेगा दो, ठीक। अच्छा, दूसरा LH, इसने क्या किया ओवरी पे जाके? इसने ओवरी में बच्चा जो ओविलेशन के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल बचा था उसको कॉर्पस ल्यूटियम में बदल दिया, है ना। एक तो इसने ओव्यूलेशन कराया, ठीक है, ओवम। इसने क्या किया? ओव्यूलेशन कराया। कैसे कराया? जो मैच्योर फॉलिकल था उसके बाहर एकदम खतरनाक ब्लड सप्लाई ले आया, तो उस फॉलिकल के अंदर ब्लड में से पानी गया और फॉलिकल में प्रेशर बढ़ गया, फॉलिकल फट गया, ठीक है। कैसे फटा? ऊपर से। ओवरी में भी इसने छेद बनाया था कि जब फॉलिकल में प्रेशर होगा फटेगा तो ओवरी के छेद से जल्दी से ओवम बाहर चला जाएगा। और पता है कुदरत इतनी अच्छी है कि जैसे ही ये ओव्यूलेशन होने वाला होता है उसके पहले ही फेलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रिए होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो आके ओवरी पे ऐसे ऐसे स्वाइप करने लगते हैं कि जैसे ही ओवम आएगा हम उसको लपक लेंगे। तो जैसे ही फटेगा ना ये ग्रेफियन फॉलिकल, ओवम को ऐसे ले लेंगे ये लोग, कौन? फेलोपियन ट्यूब, है ना। सो ब्यूटिफुल इज नेचर ना। और ये अच्छा कॉर्पस ल्यूटियम में तो बदल दिया गया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जब बन गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओव्यूलेशन कराया और जो ग्रेफियन फॉलिकल बचा उसको कॉर्पस ल्यूटियम में बदल दिया। इस कॉर्पस ल्यूटियम से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होंगे और ये लोग क्या बोलेंगे कि अभी FSHLH मत भेजो, ठीक है, अभी कुछ फॉलिकल वॉलिकल नहीं बनना है, बनाना है अपने को यूट्रस को तैयार करना है। ये लोग हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे तुम हार्मोन भेजना बंद करो, और ये लोग जाएंगे किसके पास? यूट्रस के पास, और बोलेंगे कि तुम्हारे पास ब्लड वेसल थी ना, पहले स्ट्रेट थी अब हेलिकल बन जाएंगी। यानी जो यूट्रस में पहली बेटा एंडोमेट्रियम में स्ट्रेट ब्लड वेसल होती है, खून की वो नलियाँ, ठीक है, बाद में वो ऐसे हेलिक्स जैसी, स्प्रिंग जैसी बन जाएंगी कॉयल और खूब सारा खून भर जाएगा, ठीक। और कुछ ग्लैंड्स होती हैं वो भी पूरा एकदम भर जाएंगी, पूरा यूट्रस एकदम खून से भर जाएगा, रेड कारपेट, है ना, रेड वेलवेट बन जाएगा। किसके लिए? बच्चे के लिए, कि अब बच्चा आएगा तो हम इस खून में से अपने बच्चे को पूरा ऑक्सीजन और ग्लूकोज सब दे देंगे। महिला तैयार कर रही है अपने आप को, अपने बच्चे को खाना पानी देने के लिए। मम्मीज आर सो केयरिंग ना, ठीक है, तो मम्मी केयर कर रही है बच्चे की, इसलिए उसको बोलिए तुम हार्मोन वार्मोन बंद करो, अपने को क्या करना है भाई, अपने को यूट्रस को बड़ा करना है। लेकिन 10-12 दिन तक तो ये काम चला कि हाँ यूट्रस में अंदर बढ़िया दीवार मोटी हो रही है, लेकिन जब कोई ओव्यूलेशन, कोई बच्चा नहीं आया, ठीक है, कोई भी ओवम जो है वो स्पर्म से फ्यूज नहीं हुआ है, बच्चा नहीं आया है, फिर वो सिग्नल भेजेगा बच्चा नहीं आया है भाई, ठीक है, अब तुम लोग, अब कॉर्पस ल्यूटियम भाई तुम ये हार्मोन सिक्रीट करना बंद करो, अपने को नहीं चाहिए, ठीक है, और हम भी गिरेंगे, झड़ जाएंगे नीचे। तो ये जैसे ही कम हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम भी सूख गया, उसके बाद इनकी मात्रा कम हुई तो हाइपोथैलेमस ने फिर से GnRH भेजा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ने फिर से FSHLH भेजा, फिर से ओवरी में यही सब काम चालू होता गया। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हुई रहती, अगर प्रेगनेंसी हुई रहती तो क्या होता? यूट्रस सिग्नल भेजता, क्या सिग्नल भेजता कॉर्पस ल्यूटियम को कि देखो, ठीक है, यूट्रस सिग्नल भेजता कॉर्पस ल्यूटियम को कि देखो क्या बच्चा आ गया है, खुशखबरी है, अब तुमको सूखना नहीं है, तुमको और मोटा होना है, हमको और इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दो, हम भी मोटे होंगे तुम भी मोटे हो, ठीक है। तो फिर बस ये हार्मोन और ज़्यादा सिक्रीट होंगे और ये सिग्नल तो पूरा, ये जितने ज़्यादा सिक्रीट होंगे हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को सप्रेस कर देंगे कि अब फॉलिकल वॉलिकल नहीं चाहिए, अब बच्चे पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यूट्रस की लाइन मोटी होती जाएगी और बच्चा एकदम मजे से रहेगा, है ना। अच्छा, बच्चे ने ऐसा क्या सिग्नल भेज दिया सही यूट्रस के थ्रू ओवरी में? बच्चे ने एक केमिकल सिक्रीट किया, HCG,
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। बेटा जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, तो यही हार्मोन जो होता है ये ऐसे नीचे से गिरता है ना, तो यूरिन में भी आ जाएगा, ठीक है, ये ब्लड में जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है, ये यूरिन में भी आता है, ये ब्लड में भी आता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो नया नया छोटा सा बच्चा यहाँ आया है ना, यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है, वो ही सिक्रीट करेगा इसको, ये केमिकल ओवरी के पास जाके बोलेगा कॉर्पस ल्यूटियम को कि तुम बढ़िया से बड़े हो जाओ और हमको हार्मोन दो, और यूरिन में भी आएगा ये, ठीक है। अच्छा, कितने दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है अगर प्रेगनेंसी हुई तो? लगभग 3 महीने के आसपास। उसके बाद बच्चा अपना प्लेसेंटा बना लेता है, माँ के साथ मिलके प्लेसेंटा बन जाता है, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम सूख जाएगा, उसका काम प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ कितने दिन होगी? 10 से 12 दिन, ठीक है। बच्चा लोग 1 मिनट वेट करो, ये पता नहीं क्या आ गया है। इसको हटाओ। ठीक है, सॉरी बच्चा लोग, कुछ टच हो गया था, अपने को ज्यादा कंप्यूटर का उतना वो नहीं आता है, ठीक है। यहां देखो, अब एक सम अप करते हैं, यहां पीरियड्स हो गए बेटा, ठीक है, मेंसेस हो गई, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, ब्लीडिंग हो गई, गिर गया मैं स्ट्रेटम बेसेलिस, सॉरी स्ट्रेटम फंक्शनलिस, बेसेलिस तो बचा रहेगा, फिर क्या हुआ, फिर वो बेसेलिस जो बचा था उससे फिर से ग्रोथ होने लगी, है ना, ठीक है, ग्रोथ होने लगी फिर से, और फिर ओविलेशन टाइम, इधर क्या हुआ, ये तो यूट्रस में चल रहा है, यहाँ प्रोलिफरेशन हो रहा है, यहाँ गिर रहा है ना, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, ओवरी में फॉलिकल को देखो, ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये भी मैच्योर हो रहा है पहले ही दिन से, और फाइनली क्या बन गया बेटा, ग्रेफियन फॉलिकल, और 14वें दिन यानी ओविलेशन के समय में वो फट जाएगा और ऊ साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो भी निकल गया। ये ग्रेफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, तो यहाँ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, और इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा है तो यूट्रस की लेयर और मोटी होगी, है ना। ये तो सेकेंड हाफ का था, फर्स्ट हाफ में बेटा जब क्या होता है, सेकेंडरी फॉलिकल रहता है तो वो क्या सिक्रीट कराता है, इस्ट्रोजन सिक्रीट कराता है ना, तो इस्ट्रोजन धीरे धीरे ऐसे बढ़ना चालू हुआ है क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है ना, और जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होगा इस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, है ना, और फिर क्या होगा, एक दिन ओविलेशन हो जाएगा, फिर ये कम हो जाएगी मात्रा, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना फिर से ये बढ़ेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, दोनों बढ़ जाएंगे, और प्रोजेस्ट्रॉन शुरू से ही कम रहता है बेटा, वो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो ही बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, FSH का क्या हाल है, पिट्यूटरी हार्मोन का? FSH जो होता है बेटा, FSH वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, वो भी प्राइमरी फॉलिकल को, ठीक है, तो शुरू में थोड़ा ज्यादा रहता है, फिर जब वो स्टिमुलेट अच्छे से कर लेता है तो सेकेंडरी फॉलिकल सिग्नल भेजता था ना ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड में कि अब नहीं चाहिए FSH, तो FSH कम होता है। लेकिन ये बदमाश था, ये बाकी अपने भाई लोग को मारने के लिए किया था, लेकिन जैसे ही फिर अब ये थोड़ा मैच्योर हो रहा है फॉलिकल, तो ये दिमाग को सिग्नल भेजता है मैच्योर फॉलिकल, जल्दी LHFSH भेजो, अपने को ओव्यूलेशन कराने का है, तो ये बढ़ गया LHFSH, ओव्यूलेशन हो गया, फिर से ये कम हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइकिल में जब पीरियड आएंगे तो उस समय बढ़ेगा, और ओवम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल वगैरह मैच्योर होंगे, ठीक है, वो सब अगले साइकिल में फिर होगा। इतना सा था, सिंपल सा है ना, अच्छा। ओव्यूलेशन क्या है बच्चा? ओव्यूलेशन हम सब जानते हैं, अभी मैंने बताया कि क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल है उस पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करेगा। ग्रेफियन फॉलिकल पे कौन वर्क कर रहा है बेटा? LH, ठीक है, और इसमें खूब सारी ब्लड सप्लाई करा देगा तगड़ी वाली,
तो इससे क्या होगा, खून के थ्रू पानी आएगा और वो फॉलिकल में भर जाएगा, ठीक है, तो फॉलिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, ये फॉलिकल था ओवरी के अंदर, तो ओवरी की दीवार को भी यहाँ से डिस्ट्रॉय कराएगा, छेद बनाएगा, ठीक है, एंजाइम की वजह से एंजाइम्स छेद बनाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और फिर ये फॉलिकल फट जाएगा, उस छेद से बाहर निकालेगा क्या, सेकेंडरी ओसाइट को, पानी को, थोड़े से ब्लड को, ठीक है, इन सबको बाहर निकाल, थोड़े से ग्रैन्युलोसा सेल्स को, इनको बाहर निकाल देगा। यही है ओव्यूलेशन। यहाँ देखो गिर रहा है ना, निकल रहा है ओवम, और सेकेंडरी फॉलिक ग्रैफियन फॉलिकल का जो हिस्सा बाहर की तरफ निकलता है उसको बेटा स्टिग्मा बोलते हैं। असली फोटो देखते हैं, देखो यहाँ देखो कितना सुंदर है, ये एंडोस्कोपी से ली गई ये फोटो है। ये देखो ये क्या है, ये है ग्रैफियन फॉलिकल का वो हिस्सा जो ओवरी से बाहर निकला है, ये वाइट वाली नीचे ओवरी है बेटा, और ग्रैफियन फॉलिकल में देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, ये एलएच की वजह से हैं, और इसमें ये क्या है, ये पानी है, उसके अंदर में ओवम सिक्रीट हो रहा है, बाहर निकला है, पानी निकला है। एंड ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, क्या जानते हो ये, इसको ओवम इज विजिबल विद नेकेड आई, ठीक है, ये स्टिग्मा है, यानी कि ओवेरियन ग्रैफियन फॉलिकल का वो हिस्सा जो ओवरी के बाहर प्रोड्यूट कर रहा है, ठीक है, वही है, निकल गया ओवम वगैरह, बढ़िया, इसको कौन ले लेगा बेटा, फेलोपियन ट्यूब ऐसे आकर के ओवरी पर से ऐसे कैच कर लेंगे। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, एलएच सर्ज एंड ओव्यूलेशन, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, बाद में होता है ना, ग्रैफियन फॉलिकल बोलता है कि जाओ जल्दी जल्दी लाओ, ठीक है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीड टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल इज कॉल्ड एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज से होता क्या है बेटा, रप्चर ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम, एक्चुअली सेकेंडरी ओसाइट, सो इट इज ओव्यूलेशन, है ना, ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, एलएच। और ये डायग्राम में बता चुकी हूँ, यहाँ पे एलएच सर्ज हो रहा है और ओव्यूलेशन हो रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ ओवा रिलीज ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अ वुमेन कितने होंगे, 400 से 450, ठीक है, 400 से 450। एक्चुअली बेटा मान लो किसी बच्ची को 13 साल की थी तो पीरियड आया, ठीक है, और वो 45 ईयर्स की हुई तो ख़त्म हो गया, तो उससे काउंट कर लो कि कितने साल हैं, ठीक है, कितने साल हुए, 13 को माइनस करोगे तो 32 हुए, ठीक है, और इतने साल उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ थी, हर महीने एक ओवम सिक्रीट होता है, तो एक साल में कितने हुए, 12 ओवम सिक्रीट हुए, तो मल्टीप्लाई कर देना इसको, है ना, 32 into 12 कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, 384, ठीक है, तो ये तो कम हो गया, मतलब ये वैरी करता है, इन जनरल 400 से 450, डिपेंड करता है कितने साल किसी महिला की रिप्रोडक्टिव लाइफ रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से नॉर्मल इन एवरेज 400 से 450, वो थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, मिटेल्समर्स, ये एक नई चीज है, हाँ, ओव्यूलेशन पेन, बताया था 20% वुमेन में ओव्यूलेशन के समय पेन होता है, किसी किसी को हर बार ओव्यूलेशन में, किसी किसी को कभी कभी ओव्यूलेशन में, क्यों होता है बेटा, वो जो फॉलिकल स्वेलिंग हुई है, पूरा ब्लड वेसल से एकदम सूज गया था एलएच की वजह से, और ओवरी की वॉल जो फटी है ना, उसकी वजह से एंजाइम काम करके वहाँ ओवरी की वॉल को रप्चर किए थे ना, ताकि ओव्यूलेशन हो सके, टू रिलीज सेकेंडरी ओसाइट। फेलोपियन ट्यूब्स में मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्चुअली जो फेलोपियन ट्यूब है मस्कुलर रहेगी, और ओवरी के ऊपर ऐसे ऐसे स्वैप करती है ओवम को लेने के लिए, तो उसमें भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है ओव्यूलेशन में सेकेंडरी ओसाइट के साथ जो पानी रिलीज हुआ, जो खून रिलीज हुआ, ब्लड, वो सब हमारे जो एब्डोमेन में जो दीवार होती है ना, वहाँ इरिटेशन करें, ठीक है, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मिटेल्समर्स, ओव्यूलेशन पेन, सब में नहीं होता है, ठीक है। लास्ट में क्या आएगी बेटा, ल्यूटियल फेज, इट इज सिक्रीटरी फेज, है ना, ल्यूटियल फेज इज सिक्रीटरी फेज, और बताया था ना पहला फेज फॉलिकुलर है और दूसरा ल्यूटियल,
इसमें कॉर्पस ल्यूटियम का राज है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, इसलिए बोलते सिक्रीटरी फेज। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। यही ना, ओवुलेशन हो गया तो ग्रेफियन फॉलिकल में जो बचा वो ऐसे सील हो गया, छेद बंद हो गया, क्योंकि छेद से तो ओवुलेशन हुआ था ना, ओवम वगैरह बाहर निकले थे, अब छेद बंद हो गया और ये बन गया गोला कॉर्पस ल्यूटियम। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भर जाएगा इनके सेल्स में, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, फॉलिकल के जो सेल्स हैं, और वो कोलेस्ट्रॉल से प्रोजेस्टेरोन बनेगा, और कोलेस्ट्रॉल येल्लो होता है, इसीलिए ल्यूटियम बोला। ल्यूटिन वर्ड का मतलब होता है बेटा येल्लो, और इन इसके सेल्स में भरा है कोलेस्ट्रॉल, जिससे बनेगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड लिटिल एस्ट्रोजन विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। बताया ना, बच्चा आ चुका है क्या कि नहीं आया है, पता नहीं है इसको कि बच्चा आया है कि नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम को नहीं पता अभी बच्चा आया है कि नहीं। एक्चुअली देखो, अगर सेकेंडरी ऊसाइट में फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म से, तो भी इसको तुरंत सिग्नल नहीं जाएगा, 10-12 दिन बाद ही जाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी इसको 10-12 दिन बाद ही सिग्नल जाएगा। तो ये अपना काम करता रहता है, बोलता है भाई तुम लोग सिग्नल भेजो चाहे ना भेजो, मैं तो बच्चे के लिए रेड कारपेट तैयार कर रहा हूँ, मेरा काम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रीट करना है, क्योंकि ये एसेंशियल है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम मेंटेन होगी तो बच्चा आएगा। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये जब अच्छे से तैयार रहेगी एंडोमेट्रियम, तभी तो बच्चा आके उसमें रहेगा ना, वही सब है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, है ना, उस समय पीरियड्स तो आते नहीं प्रेगनेंसी में, सारे इवेंट्स रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसने बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया था ना, वो जा करके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि तुम लोग हार्मोन मत भेजो, अब बच्चा आ चुका है। ठीक है, इसलिए बंद हो जाते हैं सारे। इम्प्लांटेड एम्ब्रियो सेंड सिग्नल HCG टू कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल भेजा बच्चे ने, तुम डिजेनरेट मत करो। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम और बड़ा होगा और वो सिक्रीट करेगा हैवी अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा, हैवी अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। अब इस ये जब कॉर्पस ल्यूटियम बेटा प्रेगनेंसी के समय और बड़ा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। एंड ये जो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये इनहिबिट करेंगे रिलीज ऑफ GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड FSH एंड LH फ्रॉम पिट्यूटरी। ठीक है, बच्चे ने क्या केमिकल भेजा था कॉर्पस ल्यूटियम को, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। बेटा इसी को प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, चाहे ब्लड का करो चाहे यूरिन का, यही देखते हैं। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम बड़ा नहीं होगा, वो सूख जाएगा। 10-12 दिन तक तो चलो वो बढ़ रहा था, क्योंकि सेकेंडरी ऊसाइट ने उसे सिग्नल ही नहीं भेजा कि क्या बोलते हैं भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो अपना काम करता गया। लेकिन देखा यार बच्चा तो आया नहीं है, 10-12 दिन हो गए और हमको कोई सिग्नल नहीं आया है, हमको कोई HCG नहीं मिला, तो फिर वो डीजनरेट कर जाएगा, बोलेगा मतलब बच्चा नहीं है। ठीक है, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। क्या है ना बेटा, जब ये डीजनरेट किया तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सप्लाई एंडोमेट्रियम को बंद हो गई, तो एंडोमेट्रियम में जो फूली फूली ब्लड वेसल्स थी ना, जो खुली थी, वो बंद हो जाएंगी, पिचक जाएंगी ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से वो जो मोटी चौड़ी एंडोमेट्रियम हुई थी ना, उसको खून की सप्लाई बंद हो गई। अब किसी को खून नहीं मिलेगा तो मर जाएगा ना कोई जगह, तो वहां भी खून की सप्लाई बंद हो गई, वो मर जाएगा और नीचे गिरेगा, और जो ब्लड वेसल्स खुली हुई उनसे ब्लड भी गिरेगा, एंडोमेट्रियम की अंदर की लेयर और ब्लड नीचे गिरता है। ठीक है, वही होते हैं पीरियड्स। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन एंड मार्किंग अ न्यू साइकिल। क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मेंसेस से शुरू होती है, मेंस्ट्रुएशन चालू हो गए, नई साइकिल चालू हो गई। ठीक है,
अब ये साइकिल कब खत्म होंगी, मीनोपॉज क्या होता है, किसी भी लेडी में जब ये साइकिल्स खत्म होने लगती है किसी भी फीमेल में तो बोलते हैं मीनोपॉज। पॉज मतलब पॉज बटन होता है ना, वीडियो देखते हैं कुछ देखते हैं तो पॉज दबाते हैं, तो मेंसेस पॉज हो गई, मंथ मंथ महीना आना बंद हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। पता है उस समय महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग होते हैं, नाइट स्वेट्स यानी रात में पसीना आता है ना, चेहरा लाल हो जाता है, फ्लशेस है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस समय अपने घर में इस एज में जो महिलाएं हैं उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, मीनार्की से मीनोपॉज, सिंपल मीनार्की टू मीनोपॉज, यही है ना बेटा रिप्रोडक्टिव फेज, मीनार्की से मीनोपॉज, महीने की शुरुआत से महीने के अंत तक। ये महीना वो वाला मंथ नहीं, महीना आने की शुरुआत से महीना आने का अंत, यानी वही प्यूबर्टी से लेके वही जब महीना आखिरी बार आया तब तक। साइक्लिकल मेंस्ट्रुएशन इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो हर महीने ब्लीडिंग होती है ना, ये इंडिकेट करती है कि अभी वो महिला रिप्रोड्यूस कर सकती है। फिर से वही फोटो आ गई, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे खत्म। क्या खत्म, ये बच्ची थी प्यारी सी, पीरियड आए पहली बार, फिर बुरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरा रिप्रोडक्टिव फेज चला, फिर वो बेचारी को मीनोपॉज हो गया, अब खत्म, अब इनके बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। ठीक है बच्चा लोग, होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।